चलो आवाज आ रही है, कोई एक जन हाँ या ना बोल दो जरा यस सर आ रही है। सर यस सर। समझो जरा, एक आंदोलन है जिसका नाम है फेबियन आंदोलन। ये हमेशा से पूछा जाता है क्यों, इसके दो कारण हैं। पहला तो इसको प्रमोट किया एक आयरिश लेडी ने जिसका नाम है एनी बेसेंट, याद रखना आयरलैंड की महिला है। और दूसरा है आयरलैंड की लेकिन हिंदुस्तानी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और वेस्टर्न कल्चर को खामी दिखाने के लिए या वेस्टर्न कल्चर की कमियां बताने के लिए और इंडियन कल्चर को बेहतर बताने के लिए दरअसल में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो जो भौतिकवादी परंपराएं हैं वो झूठी हैं, हिंदू सभ्यता या हिंदू परंपरा सच्ची है, इसको लेकर आयरलैंड की एक महिला आंदोलन चलाती है, द नेम इज फेमियन आंदोलन। तो ये चीज आप याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा, सन 1915 भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आया। दरअसल में हिंदुस्तान में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका, तो 1915 में जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के बीच में सन जब 1915 आएगा तो याद रखना अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में जगह है काबुल। यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये काबुल को मतलब अफगानिस्तान को स्वतंत्र मान लेंगे, ब्रिटिश सरकार के अधीन रहने वाले इस जगह पर काबुल या जिसको अफगानिस्तान कहते हैं उस जगह पर केवल और केवल मेरा ही शासन है, ऐसा कहेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे उस व्यक्ति को जो एक मुसलमान है जिसका नाम है बरकतुल्ला। तो दरअसल में एक प्रकार की गवर्नमेंट बन गई। यहां राजा का मतलब है राष्ट्रपति से जिनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप, और प्रधानमंत्री का मतलब है बरकतुल्ला। तो ये चीज आप ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हो जाता है क्योंकि इस गवर्नमेंट को रूस ने मान्यता प्रदान की है। तो यदि आपसे पूछी जाए कि भारत में आजादी के दौरान क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट बनी है देश में जो ब्रिटिश सरकार से अलग थी और दूसरे किसी देश ने उसको मान्यता प्रदान की है, तो जी हाँ, अफगानिस्तान में वो गवर्नमेंट बनी थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह और उनके प्रधानमंत्री बरकतुल्ला के दिशा निर्देशन। ये याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सन 1916 सौगात लेकर आया हमारे लिए एक विश्वविद्यालय है या एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सबसे पहली बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता है 1916 में। और इसके पीछे और कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उस समय का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो हैं वो सबसे प्रमुख होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहली हिंदू यूनिवर्सिटी कौन सी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सेंट्रल का दर्जा उसको सबसे पहले किसी ने दिया था, और सबसे इम्पोर्टेंट लॉर्ड हार्डिंग वो व्यक्ति है जिसने हिंदू बनारस विश्वविद्यालय मतलब BHU को बनाने के लिए इसका क्या किया था, शिलान्यास किया था। लेकिन अब आता मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शिलान्यास या पहली ईंट लॉर्ड हार्डिंग ने रख दी BHU की, लेकिन असल मायने में BHU का संस्थापक जिसको माना जाता है उस व्यक्ति का नाम कोई और नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय है, जिन्होंने लाला लाजपत राय को जब नरम दल और गरम दल के बीच में डिवाइडेशन हो गया था कांग्रेस को तो उन्होंने मंच में बोलने से रोक दिया था। तो ये वही व्यक्ति है पंडित मदन मोहन मालवीय, नरमपंथी विचारधारा का व्यक्ति है, इन्हीं ने दरअसल में BHU की स्थापना की थी और इसके लिए लॉर्ड हार्डिंग को शिलान्यास के लिए बुलाया था। तो ये चीज आप याद रखना। अब यदि आपसे पूछा जाए कि ये BHU जिस जगह पे बना उसका कुछ और इतिहास है क्या, जी हाँ, एनी बेसेंट से दरअसल में उसका इतिहास जुड़ा है। एनी बेसेंट ने दरअसल में एक स्कूल शुरू किया था जिसमें हिंदू संस्कृति को प्रमोट किया जाए, नाम है केंद्रीय हिंदू स्कूल। इसी स्कूल को आगे चल के पंडित मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। तो आप याद रखिएगा, आपसे यदि BHU पूछा जाए, आपसे यदि पंडित मदन मोहन मालवीय पूछा जाए, आपसे यदि लॉर्ड हार्डिंग में आप ये लाइन जरूर लिखना कभी भी अगर आए, मतलब ये टोटल प्री के क्वेश्चनों से मीन्स का मैटर तैयार हो चुका है। तो ये भी प्री में पूछी जाने वाली चीजें हैं, ध्यान रखना ये चीज। अब आते हैं 1907 में जो कांग्रेस के दो दलों में उग्रवादियों में
और उदारवादियों में, मतलब नरमपंथियों और गरमपंथियों में जो फूट पड़ गई है वो 1916 में लखनऊ समझौते में एक बार फिर से फुलफिल कर ली जाएगी और कांग्रेस अपनी पूरी शक्ति के साथ अब आंदोलन में आगे बढ़ेगी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन इसलिए तो इम्पोर्टेंट है ही है कि नरम दल और गरम दल के लोग आपस में मिल जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग के व्यक्ति हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी दोनों एक साथ मंच पे आ जाते हैं। तो ये दोनों के कारण लखनऊ समझौता इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं बेसिक आपको बता दूं, 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष था जिनका नाम है एसी मजुमदार। दूसरा, 1916 में ही मुस्लिम लीग ने अपना अधिवेशन लखनऊ में ही आयोजित किया। जैसे मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ हो रहा, एसी मजुमदार इसके अध्यक्ष चुने गए, तो बिल्कुल ठीक बाजू से ही अगला टेंट लगा और ये टेंट में दरअसल में मुस्लिम लीग का टेंट है, मुस्लिम लीग का मंच, और उससे जिना अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये दरअसल में लखनऊ में ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ध्यान रखना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपस में दरअसल में समझौता हो जाता है, किस समझौते के तहत या किस के तहत, तो आंसर है लखनऊ समझौते के तहत। अच्छा, अब एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेडी है जिसका नाम है एनी बेसेंट, उसने एक रचना लिखी जिसका नाम है हाउ इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम। इस किताब के कारण दरअसल में जो बीजी तिलक है कांग्रेस के साइड से और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की ओर से आपस में क्या हो जाते हैं, समझौते पर करार करके एक हो जाते हैं। अब उस समझौते क्या है, ये मीन्स में पूछे जाते हैं, मैंने इसमें जरूर लिखे हैं, इन्हें लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला करार क्या था, दूसरा करार क्या था, तीसरा करार क्या था और चौथा करार क्या था, तो ये मीन्स में पूछे जाते हैं। इसमें प्री में आप बिल्कुल भी इनको मत पढ़ना, ना टाइम जाया करना। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपसे बोलनी है। दरअसल में हुआ ये, मुस्लिम लीग ने एक शर्त पे आना स्वीकार किया कांग्रेस के साथ में कि जो मुस्लिमों के हित हैं उनके साथ कभी भी कांग्रेस छेड़खानी नहीं करेगी, या जब भी मुस्लिम अगर कोई अपनी बात रखेंगे तो निश्चित रूप में कांग्रेस कभी भी अड़ंगा नहीं लगाएगी या अड़ंगे के साथ में छेड़खानी नहीं करेगी। तो ये दरअसल में मुस्लिम लीग का कहना था, बीजी तिलक ने सहर्ष मांग को स्वीकार कर लिया, सो कोई दिक्कत नहीं है। और इस आंदोलन के बाद से हिंदू और मुस्लिम एकता के साथ, मतलब भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकता के साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध या प्रतिरोध करेंगे, ऐसी रणनीति बनी। अब इसके बाद जो यहाँ से पॉइंट शुरू होते हैं, ये आपके पूरे प्री के फैक्ट हैं। दरअसल में लखनऊ पैक्ट में नरम दल और गरम दल एक हुए, ये तो ठीक है, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ जाती है। तो इस अवसर पर जो एक लेडी है जिनका नाम है सरोजनी नायडू, ये पहली 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला हैं। इन्होंने दरअसल में मोहम्मद अली जिन्ना के लिए वर्ड यूज किया कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये राजदूत है जिसने अपने व्यक्तिगत लाभों को भुलाते हुए देश हित के कारण कांग्रेस के साथ आना स्वीकार किया। वहीं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो बिना ताज का बादशाह है, इसने कांग्रेस के इतिहास को सुनहरा दिन बताया, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस में विलय या मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपस में समझौता। अच्छा याद रखना 1907 में जब दोनों में, मतलब कांग्रेस के दोनों दलों में क्या हुआ था, जब विभाजन हुआ था, तो एनी बेसेंट ने कहा था कि यह सबसे कैसा दिन है, दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। तो 1907 में एनी बेसेंट का कथन दुर्भाग्यपूर्ण दिन वाला था, लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहते हैं कि इतिहास का सुनहरा दिन है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान जो हमेशा से मुसलमानों के अग्रणी प्रतिनिधि हैं, याद रखना कभी भी कोई भी सुधार की बात होगी मुसलमानों के लिए तो सबसे पहले उस समय इनकी राय जरूर ली जाती थी, उन्होंने भी दरअसल में हिंदू और मुस्लिम को भारत की दो आंखें बताया, मतलब जिन्ना और तिलक की तारीफ की। तो ये तीन स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं लखनऊ अधिवेशन को लेकर, इनको आप याद रखना जरा। अब इसके बाद मैंने आपको फिर बोला ये डोमिनियन स्टेटस और ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव में इंडियंस का स्थान, ये अभी आप रहने दो, इसमें आप फंसोगे वरना, है ना। अब चलते हैं मुद्दे की चीज। 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ जहां पर कांग्रेस एक हो गई नरम दल और गरम दल, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ गई,
तो इसी मंच से गरजते हुए बीजी तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा। अच्छा, बापू की भारत में एंट्री हो चुकी है, लेकिन बापू एक गढ़ ढूंढ रहे हैं जहां से रहकर सत्याग्रह की शुरुआत की जाए। तो वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम उन्होंने सेलेक्ट किया, जो साबरमती नदी के किनारे है। तो दरअसल में साबरमती आश्रम जो साबरमती नदी के किनारे है, यहीं से महात्मा गांधी सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले हैं। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो दोनों एक साथ आ जाती हैं, ये कब तक एक दूसरे के मुद्दों पर छेड़खानी नहीं करेंगी, मतलब कांग्रेस अपना हिंदुत्ववादी मुद्दा आगे बढ़ाएगी और मुस्लिम लीग मुसलमानों के हितों वाला एजेंडा आगे बढ़ाएगी, तो दोनों के हित अलग अलग हैं लेकिन दोनों एक साथ काम करेंगे, इसको कहते हैं मतैक्य काल। भले ही दोनों के हित अलग अलग हैं लेकिन राष्ट्र हित के लिए दोनों एक साथ काम करेंगे, तो ये मतैक्य काल जो है ये 16 से 22 तक चलेगा। उसके बाद से कांग्रेस मुस्लिम लीग से टोटल अलग होकर बात करेगी और मतैक्य काल नहीं रह जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि दोनों के बीच मतैक्य काल कब तक रहा, तो 16 से 22 तक, याद रखना है जी। और इस तरह से हमारी ये जो सीट है ये हो जाती है खत्म। अब आज से जो हमको शुरू करना है सेशन हिस्ट्री में, वो टोटल और टोटल महात्मा गांधी पर ही बेस है। मतलब अब से महात्मा गांधी की एंट्री होती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो जरा उसको पढ़ने के पहले मैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दूं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और शायद आपने उनको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी हमेशा अपने पिता का नाम साथ में लिखना पसंद करते थे, तो उनके पिता का नाम दरअसल में था करमचंद गांधी और उन्होंने अपना नाम ओरिजिनल रखा है मोहनदास, याद रखना। माता का नाम क्या है भैया जी, पुतलीबाई, और पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। कई बार लोग इनमें काफी कंफ्यूज होते हैं, मैं पहले ही बता दूं, यदि मैं दोनों ऑप्शन एक साथ दे दूं पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी, तो फिर निश्चित रूप में आप में से कई लोग फंस जाओगे, तो ध्यान रखना है इसको। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, 30 जनवरी को अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग, क्योंकि महात्मा गांधी सबसे बड़े प्रबल पक्षधर से अहिंसा दिवस के, तो ये चीज आप याद रखना। और 30 जनवरी और उसका नियरेस्ट संडे, मतलब 30 जनवरी के जो पास में संडे पड़ेगा, इसको मनाते हैं राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में। ये चीज अब इनके पुत्र थे, तो याद रखना इनके पुत्र हैं हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। एक बहन भी है रलियात बेन, इनके एक भाई भी हैं लक्ष्मीदास। तो ये सब कुछ भी नहीं पूछे जाते, वो इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, महात्मा गांधी जी परिवार नियोजन का मूल मंत्र किसे मानते थे। परिवार नियोजन का मतलब है जैसे आपके घर में आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, और आप पैदा हो गए और आपका भाई या बहन पैदा हो गया, तो ये सीमित परिवार परिवार नियोजन का हिस्सा है। लेकिन अगर आप लोग 10 भाई बहन हो तो फिर ये परिवार नियोजन नहीं कहलाएगा, मतलब परिवार को सीमित रखना या परिवार को बांधना परिवार नियोजन कहलाता है। तो गांधी जी के गांधी जी से जब पूछा गया कि परिवार नियोजन के लिए आपके दिमाग में कोई विशेष प्लान हो तो बताइए जिससे जनसंख्या को कंट्रोल करें, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था आत्मनियंत्रण। तो आत्मनियंत्रण करके परिवार नियोजन किया जा सकता है, जबकि खुद महात्मा गांधी के 4 बच्चे हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये इसलिए थोड़ा सा डिप्लोमेसी के थ्रू नहीं पूछा जाता। अब आते महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, जिन्होंने महात्मा गांधी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया, कोई और नहीं गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जीएम रानाडे हैं, गोविंद रानाडे, इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके थे। महात्मा गांधी अपने समय के, याद रखना, बनिया परिवार में जन्मे व्यक्ति हैं जो 1888 में पढ़ने के लिए, और अच्छे से देख लो कौन सी पढ़ाई पढ़ने के लिए, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन मतलब इंग्लैंड जाते हैं और 1891 में पढ़ाई पूरे करके लौट आते हैं। 2 साल बाद ही दरअसल में उनको यहीं पर एक केस मिलता है, इस सेठ अब्दुल्ला का एक मुकदमा है जिसके लिए दरअसल में गांधी जी को साउथ अफ्रीका जाना है।
तो गांधी जी जो है 1893 में साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तो गांधी जी का 1893 में साउथ अफ्रीका जाना और यही आयरलैंड से एनी बेसेंट का हिंदुस्तान में आना, याद रखना। अब गांधी जी जब जाएंगे साउथ अफ्रीका में तो निश्चित रूप में दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी एक संगठन बनाएंगे जिसका नाम है नाटाल कांग्रेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी को 1899 में दो पदक से सम्मानित किया जाएगा, जुलू और बुअर। मैं आपको बताऊंगा अंग्रेजों और डचों के बीच दरअसल में एक लड़ाई चलती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। उस लड़ाई में ब्रिटिशों के जो लोग घायल हो जाते थे तो गांधी जी रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर के रूप में उन घायल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित जगहों पर छोड़कर आते थे। तो गांधी जी को जो ये जुलू और बुअर पदक मिले हैं ये दरअसल में इस वजह से मिले हैं। अब यदि मैं पूछूं आपसे कि गांधी जी ने डरबन में किसकी स्थापना की है तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। ये फिनिक्स आश्रम में लॉ के बारे में या कानून के बारे में बातचीत है बताई या सिखाई जाती है। गांधी जी आते हैं पहली बार, अच्छा गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं 1924 में बेलग्राम कर्नाटक अधिवेशन, लेकिन पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में ये भाग लेते हैं 1901 में, ये चीज याद रखना। और फिर चले जाते हैं इंग्लैंड। गांधी जी के हमेशा सत्याग्रह का मतलब तीन चीज है, मतलब गांधी जी हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए सत्याग्रह किया करते थे। और सत्याग्रह का मतलब वो यहाँ लगाते थे असहयोग, किसी का भी सहयोग नहीं लूंगा मैं, हमेशा अनुनय विनय करके अपनी बात मनवाऊंगा, और अगर जो चीज मुझे पसंद नहीं होगी मैं उसका बहिष्कार करूंगा। ये तीन चीजें हैं सत्याग्रह का मतलब। और गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 में। ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि फिनिक्स आश्रम जो है इसकी स्थापना साउथ अफ्रीका में हुई है लेकिन किस शहर में, डरबन में। ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जैसे ही मैं पूछता टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहां पर हुई है तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी साउथ अफ्रीका में हुई है परंतु जोहानसबर्ग में हुई है, डरबन में नहीं हुई, इसलिए ये चीजें थोड़ी सी हैवी हो जाती है। तो आपको साफ याद रखना होगा कि फिनिक्स आश्रम डरबन, टॉलस्टॉय फॉर्म जोहानसबर्ग। गांधी जी 1893 में गए थे, 1915 में गांधी जी वापस आ जाते हैं 9 जनवरी को। इसी दिन मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जो विदेशों में लोग रह रहे हैं और हिंदुस्तान के बारे में अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनको हमेशा इस पर्टिकुलर डेट को सम्मानित किया जाता है। जैसे ही गांधी जी लौट कर आए 9 जनवरी 1915, अंग्रेजों ने बड़ी सोची समझी चाल के तहत जो उपाधि महारानी विक्टोरिया को दी गई थी कैसरे हिंद, वही उपाधि गांधी जी को दी जा रही है। और वास्तव में गांधी जी को इस उपाधि को दिए जाने का मतलब था कि गांधी जी प्रबल वकालत करें कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंदुस्तानी लोगों का सहयोग ब्रिटिशों को मिले। और गांधी जी ने किया भी वैसा ही, आगे चलकर एक एक घर का दरवाजा खटखटाया, एक एक घर के लोगों से बात की और ब्रिटिश सरकार का प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने के लिए कहा भी था। तो कहीं ना कहीं ये चीज इससे भी जुड़ी हुई है, इसलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सारदिन भी कहते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में करी थी, मैं आपको पहले ही बता चुका। गांधी युग शुरू होगा 17 से चलेगा 47 तक, अभी हम देखेंगे। एकमात्र अधिवेशन है बेलगांव कर्नाटक जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं 1924 में। गांधी जी की आत्मकथा हमेशा पूछी जाती है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ 1925 में इन्होंने लिखी, चूंकि गुजराती व्यक्ति हैं इसलिए गुजराती में है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड और अखिल भारतीय चरखा संघ गांधी जी के द्वारा ही चलाए गए थे, 23 और 25 में स्थापना करी। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब उसके बाद गांधी जी को कुछ टाइटल दिए गए हैं, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा गांधी, मलंग बाबा, अर्धनग्न फकीर और जादूगर। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको क्या बताऊं, सारे ही तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, राष्ट्रपिता है और आंदोलन, भारतीय आंदोलन में उनका योगदान भी काफी अग्रणी है। जैसे विंस्टन चर्चिल ने उनको अर्धनग्न फकीर कहा था, खिदाई खुद मददगार एक बाबा है दरअसल, उन्होंने उनको मलंग बाबा कहा था। मलंग मतलब निष्फिकर है, जिसको न कल की फिक्र है और न पिछले की फिक्र है, जो आज में जीता है। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने दरअसल में इनको बापू की उपाधि दी थी, बदले में इन्होंने चाचा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो रंगून से इनको राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था।
अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बापू की किताबें हैं ये, आप जरा अपने स्तर पे देख लेना इनको। अनाशक्ति योग पूछा जाता है, गीता माता पूछा जाता है, यदि गीता रहस्य बोल दूं तो भी जीते लगा जाएगा, सत्य के मेरे प्रयोग, और ये सुनो विद्यार्थियों ये सारी चीजें हैं, और ये समाचार पत्र भी पूछे जाते हैं, मतलब ये टोटल आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको जल्दी से उनके बारे में बताता हूँ। गांधी जी ऐसा मानते थे कि राम राज्य तभी आ सकता है जब सत्य और अहिंसा लोगों के मन में हो, मतलब जब लोग सत्य का पालन करें हमेशा मन वचन और कर्म से, और हिंसा पे बिलीफ ना करें, तो निश्चित रूप में क्या हो सकता है, राम राज्य आ सकता है। गांधी जी का एक प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने के, ये जो गांधी जी हमेशा गाते थे वो नरसिदास मेहता के द्वारा लिखा हुआ है, ये पूछा भी जाता है। गांधी जी अपने भाषणों में अक्सर करके सर्वोदय शब्द बड़ा यूज करते थे, यहाँ सर्वोदय शब्द का मतलब है, याद रखना, सर्वोदय शब्द का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास, या सभी के लिए कल्याण हो, या सभी का एक ऐसा सूरज उदय हो, या सभी के लिए एक ऐसा सूरज उदय हो जहाँ समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, मतलब सबको बढ़ने के समान अवसर मिले, जिसको वर्तमान में बीजेपी सरकार बहुत आराम से प्रमोट करती है, सबका साथ और सबका विकास। तो सभी का कल्याण हो, सभी का उदय हो, मतलब वो अस्तो मां सदगमय वाली फिलॉसफी, यह है सर्वोदय शब्द का मतलब। अब सर्वोदय शब्द का मतलब गांधी जी ने एक किताब पढ़कर सीखा है जो जॉन रस्किन की है, अनटू दिस लास्ट। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, महात्मा गांधी जी ने जॉन रस्किन की कौन सी किताब से पढ़कर समाज के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाया जाए, इस तरह से वो प्रेरित हुए, तो नाम है जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट, जिन्होंने ई बराबर एमसी स्क्वायर दिया, नो डाउट अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम से आप उनको जानते हो। उन व्यक्ति ने गांधी जी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि यह हाड़ मास का पुतला है जो अवतरित हुआ है, याद रखना अवतरित शब्द का मतलब है परमात्मा के लिए, हमेशा गॉड के लिए अवतरण शब्द का अब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे आप लोग हुए तो आपके लिए बोलते हैं कि आप पैदा हुए, लेकिन यदि मैं अवतरण बोल दूं तो फिर आप दिव्य या स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ वाले पुरुष हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना करी थी सन 1905 में, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को बिल्कुल भी नहीं थी मंजूरी कि वो जाके मिले एनी बेसेंट की होम रूल लीग में। उस समय गांधी जी पर गोपाल कृष्ण गोखले का प्रभाव था, और वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के मनोवैज्ञानिक सलाहकार भी हैं, तो गांधी जी ने भी होम रूल लीग को सपोर्ट नहीं किया, वो हमेशा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को ही सपोर्ट करते थे, क्यों, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कारण। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए वो कहाँ जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं तो वो प्रथम श्रेणी के डब्बे में बैठ जाते हैं, चूंकि उनको लगता है कि मैंने वकालत करी है, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान से हैं वो और काले हैं, मतलब अश्वेत हैं, तो इसी वजह से एक अंग्रेज अधिकारी जो टिकट चेकर था वो मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उनको जब कार्ड चेक करता है तो इंडियंस पाता है और अश्वेत पाता है, इसी वजह से गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा, क्योंकि केवल और केवल उस समय माना जाता था कि ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे में केवल और केवल ब्रिटिश सरकार के लोग या अफसर चढ़ेंगे, गांधी जी उसमें चढ़ जाते हैं, तो इस वजह से मतलब श्वेत लोग, मतलब ब्रिटिशों के द्वारा उनको पीटा जाता और पटरी से फेंक दिया जाता है। गांधी जी इसी अपमान का घूंट उस समय तो पी लेते हैं, लेकिन बाद में ये अपने आप से वादा करते हैं कि एक ऐसा समय मैं लाके रहूंगा जिसके कारण अंग्रेजों को मेरे कारण हिंदुस्तान में काफी बुरा दिन देखना होगा, और आगे चल के वो ऐसा करने में सही भी हो पाए। अब चलते हैं आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। यदि मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी ने सत्याग्रह, मतलब अहिंसा सत्य, इनकी शुरुआत क्या हिंदुस्तान में की थी, तो नहीं। दरअसल मैं जैसे हिंदुस्तान गुलाम था, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटिश सरकार का गुलाम था, और वहां बहुत से धर्म, जाति, संप्रदाय और मजहब के लोग पाए जाते थे। तो दरअसल मैं बहुत सारे लोग जो थे उनके साथ में ब्रिटिश सरकार जाति करती थी, तो चूंकि महात्मा गांधी उस समय कहां पर हैं, दक्षिण अफ्रीका में हैं, तो सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह को और सबसे पहले सत्य और अहिंसा को साउथ अफ्रीका में ही एक्सपेरिमेंट के रूप में किया था,
तो आपसे कभी भी क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो सन 1906 में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था साउथ अफ्रीका। क्लियर है चीज, आगे चलें। चलो, गांधी जी ने एक फर्म की स्थापना की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टॉलस्टॉय फर्म। दरअसल में गांधी जी उस समय का एक लेखक है जिनका नाम है लियो टॉलस्टॉय, इनकी रचनाओं से काफी प्रभावित थे, तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना गांधी जी ने करी है दक्षिण अफ्रीका में, और इसके लिए एक जर्मन व्यक्ति ने भी उनका साथ दिया है, कॉलिन बॉक। तो कॉलिन बॉक वो व्यक्ति है जिन्होंने लियो टॉलस्टॉय की कृतियों जहां पर संग्रहित हैं टॉलस्टॉय फर्म, उसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटाल कांग्रेस, जैसा नाम से स्पष्ट है, एक संगठन है, दरअसल में राजनीतिक संगठन है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुस्तानियों के या हिंदुओं के मुद्दे कहां उठाती हिंदुस्तान में, उसी तरह से नाटाल भारतीय कांग्रेस में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में मुद्दे उठाएंगे हिंदुओं के। और इसी अवसर पर गांधी जी ने एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करना शुरू किया था जिसमें हिंदुओं की बातें लिखी होती कि उनको कौन कौन से अधिकार चाहिए। तो याद रखना, कांग्रेस की तरह ये एक संगठन था, नाटाल इंडियन कांग्रेस, और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का गांधी जी ने संपादन किया था साउथ अफ्रीका में रहते हुए। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रवासी भारतीय दिवस किसे कहते हैं, तो ये आपने मेरे को बता दिया शुरू में कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और इसी खुशी में हर साल 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रपति इस अवसर पर उन लोगों को सम्मानित करते हैं जो देश के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं हिंदुस्तान से बाहर। लेकिन आज भी जब भी वो सिटी आते हैं, मतलब हिंदुस्तान आते हैं, तो फिर राष्ट्रपति महोदय उनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। अब यहाँ से चीजें थोड़ी सी टिपिकल हो जाएंगी, मीन्स लेवल पे आ जाएंगी, टोटल मीन्स लेवल की चीज ही मैंने सेटअप करी थी, लेकिन मेरा मकसद चूंकि प्री के क्वेश्चन बताना है, तो मैं जल्दी से आपको प्री की चीजें भी बताता चलूंगा मीन्स के साथ। जैसे ये एक क्वेश्चन मीन्स का है, वो भी यूपीएससी का। गांधी जी ब्रिटिशों के सहयोगी हैं और असहयोगी स्पष्ट कीजिए, तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जहां गांधी जी ने ब्रिटिशों का सहयोग किया है। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों चीजें जान गए हैं, अब मैं आपको बहुत आसान कर देता हूं। सबसे पहले 11 अक्टूबर 1899 से लेकर 31 मई 1902, मतलब लगभग 3 साल तक लड़ाई चलेगी। किन किन के बीच में लड़ाई चलेगी, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो किसान डच हैं, अब ये किसान डच कहां पर हैं, दक्षिण अफ्रीका में धीरे 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 कुछ डच आकर बस गए, न्यूजीलैंड के लोग आकर बस गए। डच न्यूजीलैंड के लोगों को ही कहते हैं क्या, बताना जरा, ये सही बोल रहा क्या मैं, डच न्यूजीलैंड के लोगों को कहते हैं, यूरोपियन नीदरलैंड वालों को बोलते हैं। अच्छा, नीदरलैंड वालों को बोलते हैं, ठीक ठीक। दरअसल में ये यूरोपीय व्यक्ति ही हैं, तो यूरोपीय व्यक्ति हैं डच, लेकिन जैसे ही वो दक्षिण अफ्रीका में आके बसते हैं तो वो किसान का काम करने लगते हैं, मतलब फसल उगाने का। तो दक्षिण अफ्रीका में जो ये किसान डच हैं, इसी से ब्रिटिशों की लड़ाई होती है, और ये लड़ाई को नाम दिया जाता है, देख लो जल्दी से, दूसरा बोअर युद्ध। तो जो दूसरा बोअर युद्ध है वो दरअसल में ग्रेट ब्रिटेन और बोअर, बोअर शब्द का मतलब यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका में बसने वाले किसान डचों के बीच लड़ा गया था। अब चूंकि इस लड़ाई में या इस लड़ाई के अवसर पर गांधी जी ने क्या किया था, नाटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प की स्थापना की, मतलब एम्बुलेंस, एक गाड़ी बनाई गांधी जी ने, साइकिल बनाई, और उस साइकिल पे इस युद्ध में जनरली जो लोग जख्मी होते, लेकिन जख्मी कौन होते, अंग्रेजी सैनिक, जो घायल होते जख्मी होते उनको दरअसल में युद्ध स्थल से दूर ले जाकर वो उपचारित करते। तो याद रखना, कहीं ना कहीं गांधी जी को आगे चल के जो केसरी हिंद की उपाधि दी जाती है 9 तारीख को, उसके तार यहां से जुड़े, और फिर जैसे ही केसरी हिंद की उपाधि 9 तारीख को दे दी जाएगी तो गांधी जी पूछेंगे कि अब बताइए मुझे क्या करना होगा। तो ब्रिटिशों और गांधी जी के बीच फिर बाद में करार होगा, जिसको आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारतीयों की भागीदारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप कराइए गांधी जी, नहीं तो ब्रिटेन जो है
वो युद्ध हार ना जाए कहीं, और गांधी जी भी उस समय चाहते थे कि मैं जो हूँ वो हिंदुस्तान की राजनीति में एक अजर अमर सितारा बनूं, तो इसलिए गांधी जी ने भी क्या किया, शुरुआत में ब्रिटिशों को साथ दिया। तो ब्रिटिशों का साथ देने के कारण ही दरअसल में ये उपाधि उनको मिलती है केसर हिंद की। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है ये चीज। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनके कारण गांधी जी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में है, तो आपको ये प्री के क्वेश्चन है, इन्हीं को हम डिटेल से पढ़ेंगे। साल 1917 गांधी जी की हिंदुस्तान में एंट्री 1915 में हो चुकी है, लेकिन दो साल बाद गांधी जी टोटल वेट करते हैं और उस घड़ी की इंतजार करते हैं जब दरअसल में हथौड़ा गर्म है, तब वो दरअसल में चोट करेंगे। तो जी हाँ, 1917 में चंपारण में तीन कठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी क्या करते हैं, हड़ताल करेंगे। एक साल बाद उसी साल अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भी गांधी जी उपवास रखेंगे। एक साल बाद खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जाएंगे। काले कानून का विरोध गांधी जी करेंगे ही करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसमें भी ब्रिटिशों का विरोध करेंगे। खिलाफत, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, मतलब ये वो पॉइंट है जिनमें गांधी जी ने टोटल ब्रिटिश सरकार का विरोध किया है। अब आते हैं वो आंदोलन जिसमें गांधी जी ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल भी सहयोग नहीं देना चाहते, विरोध नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं दे रहे हैं, और हिंदुस्तानी लोगों से भी कह रहे हैं कि आप सहयोग ना दो। तो ऐसे तीन आंदोलन गांधी जी ने किए हैं जिनमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह नहीं करवा रहे हैं, असहयोग की भावना को उत्पन्न करवा रहे हैं। असहयोग का मतलब है कि ब्रिटिश सरकार का कोई भी व्यक्ति सहयोग नहीं करेगा, और ऐसे तीन आंदोलन है, एक 20 में, एक 30 में और एक 42 में। शायद आप उनके नाम समझ गए होंगे, 20 में हुआ असहयोग, 30 में हुआ सविनय अवज्ञा और 42 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब अपन शुरू करेंगे कि गांधी जी जो हैं उन्होंने ही दरअसल में 1917 में चंपारण किसान सत्याग्रह को किया था, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए गांधी जी 1918 में आए थे, और 18 में ही खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। आई थिंक यहाँ एक थोड़ा सा चेंज करना है ये वाला चीज, ये अहमदाबाद मिल मजदूर 18, याद रखना ये चीज थोड़ी सी। तो अब अपन शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह को पढ़ना। तो अपन अब मिलते हैं 1 बजे। तो 1 बजे जब अपन मिलते हैं तब अपन शुरुआत करेंगे चंपारण सत्याग्रह से। 17 में हुआ था, अच्छे से देख लो, इम्पॉर्टेंट है ये चीज। फिर इसके बाद में 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, ये चीज मेरे से रॉन्ग लग गई थी, इसको अपन ने अभी करेक्ट कर लिया। और 1918 में ही दरअसल में होता है खेड़ा सत्याग्रह, मतलब मैंने ये बिल्कुल वैसे ही आंसर डिजाइन कर दिए हैं, मतलब पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने वैसे ही डिजाइन करी कि आपसे मेंस में कुछ भी पूछेगा आप लिख दोगे, और बेहतर तरीके से मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है। इसमें प्री के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। और फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया है। संवैधानिक अधिकार देने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने हमको कहा था, हम आस लगा के देख रहे हैं कि हमको कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, रियायत मिलेगी, शायद टैक्स देने को ना मिले, है ना, किसानों से जबरदस्ती ना की जाए, काश्तकारों को बढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला। और फिर उसके बाद में जस्ट जो है खिलाफत आंदोलन, और फिर उसके जस्ट बाद में आ जाता है आपका ये सीट क्लोज। तो अब इसके बाद की चीज अपन 1 बजे देखेंगे। ये सारे के सारे मेंस के टॉपिक तो है ही, ये प्री के भी क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग के पास यदि टाइम हो तो आप लोग इस सीट को जल्दी से एक बार यहाँ से पुराने से लेके यहाँ तक एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लो, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि दरअसल ये चीज है क्या। चल 1 बजे मिलते हैं अपन। अच्छा, 4 बजे क्लास मैंने आपको बताया था वो ऑनलाइन रहेगी क्लास, तो उसको जरा एक बार आप लोग देख लेना। हालांकि वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो एक बार और जरा देख लेना, तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा आपका, है ना। और 10 दिन में मेरे को 10 यूनिट निपटानी है, तो वो आपका एक रिवीजन टाइप से भी हो जाएगा। तो ये आपको, और अगर आपको लगता है कि मेरे से बनते हैं तो आप दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। चलो, और हाँ एक चीज और बता दूं, बायोलॉजी जो है उसके क्वेश्चन अपन संडे को लगाएंगे, तो
संडे को मैं आई थिंक मैं 3-4 घंटे की क्लास लूंगा। कैसे, जैसे 12 बजे से मैंने क्वेश्चन लगवाने शुरू किए तो 12:40 तक, फिर आपको रिलैक्स दे दिया, फिर 1 बजे से क्वेश्चन लगवाए 1:40 तक, फिर रिलैक्स दे दिया, फिर 2 बजे से क्वेश्चन लगाए 2:40 तक, फिर रिलैक्स, और फिर 3 बजे से 3:40 तक और फिर रिलैक्स। और इन तरह से इन 4 घंटों में हमारी जो बायो की एमसीक्यूज है वो खत्म हो जाएंगे। तो चलो अब अपन 1 बजे मिलते।